हमारे ह्यूमन बॉडी में जब कभी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफी ज्यादा दिनों तक हो जाती है तो वो जो है पाइल्स यानी कि बवासीर का रूप ले लेती है। दोस्तों बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा तकलीफदेह होती है। इसमें एनस यानी कि गुदा के अंदर और बाहर और रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से हमारे एनस के अंदर बाहर या फिर किसी भी एक जगह पर मस्से से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर होते हैं कभी बाहर आ जाते हैं और 60% लोग जो है अपनी एज के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या से ग्रस्त होते ही होते हैं। अगर सही समय पर इस पाइल्स का यानी कि बवासीर का इलाज नहीं कराया गया तो ये जो है काफी खतरनाक रूप ले लेता है। लास्ट में क्या होता है कि इसकी सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। मसों को निकलवाना पड़ता है ऑपरेशन से और पूरी इसकी सर्जरी ही करानी पड़ती है जिसमें काफी ज्यादा बेड रेस्ट होता है। तो इस तरह से बवासीर की समस्या कब बड़ी रूप ले ले ये कोई नहीं जानता। बवासीर जब होता है तो आपको जो है टॉयलेट में जाते समय यानी कि जब आप मल त्याग के लिए बैठते हैं तब उस टाइम पर जो है पॉटी के साथ खून आना एक आम बात होती है। बहुत ज्यादा तकलीफदेह स्थिति होती है या फिर हमारा जो मल है वो बहुत ज्यादा कड़ा हो जाता है जो कि आंतों में जमा हो जाता है और इस टाइम पर जो है अंदर कितनी ज्यादा तकलीफ है जिसको ये तकलीफ है वही इसका दर्द समझ सकता है। तो आज मैं आप सबके लिए बवासीर के लिए एक बहुत ही शानदार सी रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी को अगर आप पूरे 1 महीने तक ट्राई करेंगे दोस्तों मैं नहीं कहूंगी कि 1 या 2 दिन में ठीक होगा। ये रेमेडी आपको कम से कम पूरे 1 महीने तक ट्राई करनी होगी। 1 महीने तक अगर आप इस तरीके से इस चीज को खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बवासीर की समस्या से बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। आपको सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही जो है आपको समस्या से निजात भी मिलेगी और आपके जो अगर पॉटी में खून आने की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आज हम ले रहे हैं केले। हर बार जब इस तरह की वीडियो जाती है तो लोग ये बोलते हैं कि केले से तो कब्ज होता है। जी हाँ केले से कब्ज होता है पर केले में जो मौजूद फाइबर होता है वो हमारे जो मल है उसको भी सॉफ्ट करता है। अगर हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो केला जो है उसको काफी हद तक रिमूव करने में हेल्प भी करता है। केले में इतने सारे गुण होते हैं कि इसे हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया है। इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B6 और ए जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें मौजूद जो फाइबर होता है वो हमारा वजन घटाने में और हमारे जो पाचन क्रिया होती है उसको अच्छी तरह से वर्क करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। केला स्टार्च से भरपूर होता है जो हमारे पेट के हेल्थ को बढ़ावा देता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है और इसीलिए केले को जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जब कभी किसी को खाना पचने की समस्या होती है जो बाद में कॉन्स्टिपेशन और उसके बाद में फिर बवासीर का रूप लेती है तो इस टाइम पर जब हम केले को रेगुलर तौर पर खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा केले एक साथ खा लें, दिन में 1 या 2 केला सफिशियंट होता है, तो उस टाइम पर केला आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। केले में जो मौजूद फाइबर होता है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को एकदम सही रखता है। साथ ही इसमें फाइबर होता है जिससे हमारा खाना सही तरीके से पचता है। केला जो है खाना पचाने का काम बहुत अच्छे से करता है। साथ ही हमारा जो मल निकासी का जो प्रोसेस होता है यानी कि टॉयलेट जाने का जो प्रोसेस होता है उसको बहुत आसान बनाता है। इसके अलावा केला कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए फाइबर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिया है केला और मैंने पानी गर्म कर लिया है और अब हम क्या करेंगे इस गर्म पानी में केले को डाल देंगे। पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो अभी हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे हम कम से कम 8 से 10 मिनट तक इस केले को पकाएंगे। और जब आपको लगे कि केला एक साइड से अच्छे से पक गया है तो इसको जो है आप इस तरह से नाइफ या फोक की हेल्प से पलट दीजिए। ये जो है पकेगा 8 से 10 मिनट, टोटल हमें 8 से 10 मिनट पकाना है। केला जब 8 से 10 मिनट पकेगा तो इसके कलर में चेंजेस आएंगे और केला ऐसे कहा जाता है कि कच्चा अगर आप खाते हैं तो वो कब्ज करता है, पर जब हम केले को इस तरीके से खाते हैं, इसका सेवन इस तरीके से करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो फिर जो है ना ही आपके शरीर में डायबिटीज को बढ़ाएगा ना ही आपके शरीर में वजन बढ़ाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बवासीर से निजात पाने में आपकी हेल्प करेगा। अभी आप देख रहे हैं केला बॉयल होते होते इसके पानी का कलर चेंज हुआ है, साथ ही केला जो है किसी एक साइड से इस तरीके से फट भी जाएगा यानी कि इसमें जो है ऐसे दरार पड़ जाएंगी, तो समझिए कि केला हमारा पक चुका है। और अभी हमारे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं जो है गैस को बंद कर दूंगी और बस इस पानी भरे बर्तन से हम केले को बाहर निकाल लेते हैं। अभी केला चूंकि काफी ज्यादा गर्म है तो इसे हम निकाल कर एक बार रख लेते हैं। अब केला हमारा जो पक चुका है ये हमारी कैसे हेल्प करेगा ये भी आगे देख लेते हैं और इसको खाना कैसे है। केले को एक बार प्लेट में निकाल कर छोड़ देते हैं
और केला अभी हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है, मतलब हाथों से सहने लायक हो चुका है, जब हम इसको छीलकर इसका छिलका उतारेंगे। अब यहाँ पर हमने केले को अच्छे से ठंडा कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केले के छिलके उतार देंगे। आप देखेंगे कि जो बॉयल केला है, इसके छिलके उतारते टाइम ये केला थोड़ा सा फिसलता है, पर आराम से आप ये काम कर सकते हैं। और जिस भी इंसान को बवासीर की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपके घर में जो भी बवासीर यानी कि पायल्स का पेशेंट है, उसको आपको ये केला खिलाना है। दोस्तों यहाँ पर हमें केले को आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिर्फ आप इसको, अगर आप किसी ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसको खाने में प्रॉब्लम है, तो आप इसे मैश करके भी दे सकते हैं या फिर आप इसे चॉप करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा बवासीर की वजह से अगर टॉयलेट जाते समय बहुत ज्यादा खून आ रहा है, यानी कि फिर क्या होगा कि खून की कमी आएगी, इंसान एनेमिक भी होता है, तो उस टाइम पर ये जो केला है ये शरीर में खून को बढ़ाने का भी काम करता है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की जब कमी होती है, तब इसमें जो फोलेट होता है यानी कि जो फोलिक एसिड होता है, वो जो है हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारे शरीर को एनीमिक होने से बचाता है। तो उस टाइम पर भी ये एनीमिया का शिकार होने से आपको बचाएगा। आपको कुछ नहीं करना, केले को इस तरह से चॉप कर लेना है, हल्का सा ठंडा होते ही आपको जो है ये केला पेशेंट को खिलाना है। ये काम आपको करना है सुबह और शाम, जी हाँ दोनों टाइम एक एक केला सुबह आप एक बार दे दीजिए ब्रेकफास्ट के टाइम पर, या फिर खाली पेट भी दे सकते हैं, और शाम को भी आप आराम से उनको दीजिए, खाना खाना खाने से पहले 1 घंटे आधा घंटा पहले इस तरह से दे दीजिए, और उसके बाद से फिर आप देखिएगा। ये काम आपको करना है दोस्तों पूरे 1 महीने तक। जिसे भी बवासीर या पायल्स की प्रॉब्लम है, उसे आप लगातार 1 महीने तक इस तरह से करके केले को बॉयल करके और सुबह शाम एक एक केला खिलाइए, उससे आप देखेंगे उनको इस समस्या से जो है बहुत ज्यादा निजात मिल रही है। दोस्तों ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है इस तरह से बवासीर दूर करने का, तो आप भी जो है इसको जो है जरूर ट्राई करिएगा। या फिर अगर आपको सिंपल कब्ज की भी प्रॉब्लम है, तो भी आप केले को इस तरीके से खा सकते हैं। पर ये जो रेमेडी है वो स्पेशली बवासीर के वाले लोगों के लिए है, जिन्हें मल के साथ खून आने की समस्या है या फिर मसों की समस्या है, तो आप सर्जरी कराने से पहले एक बार जो है इस तरह से इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे जो है आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो फिर आप बेशक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी देर मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से आप भी जो है जिन लोगों को नीड है, वो उनको आप वीडियो शेयर करिए, क्या पता इस वीडियो के एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए। जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये फील किया जा सकता है कि उनमें एनर्जी की कितनी ज़्यादा कमी होगी, क्योंकि बॉडी से ब्लड निकलता है, साथ ही वो टेंशन का भी शिकार होते हैं उस टाइम पर। तो बॉडी में जो है ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए केला जो है अगर इस टाइम पर खाया जाए तो बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। तो केले में ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा बवासीर से बचने के लिए आप जो है योगासन भी कर सकते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं, साथ ही जो है तले भुने मिर्च मसाले वाले खाने से परहेज करिए, हल्का खाना खाइए दोस्तों, साथ ही 2 टाइम केले का सेवन करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं मेरे नए रेमेडी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।